ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनता का बजट पड़पड़गंज के विनोद नगर वार्ड से 217 नंबर वार्ड, इलाके की जनता भी हमारे साथ मौजूद है। कई चीजों पर यहां पर डिस्कशन हुआ है, कई समस्याओं पर डिस्कशन हुआ है। अगर मैं कहूं कि इलाके में सबसे पहले जिस चीज पर आपका पैसा इस्तेमाल होना चाहिए तो मनोरंजन केंद्र को कितने लोगों का वोट है, कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मनोरंजन केंद्र बने? सभी लोग चाहते हैं, मतलब अगर मैं अपनी जेब से एक रुपए भी निकालूं तो मनोरंजन केंद्र के पहले निकालूं। ठीक ठीक बात है, यही चाहते हो? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मनोरंजन केंद्र। सेकंड अगर चीज की बात करें तो आप चाह रहे थे कि डिस्पेंसरी होनी चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल जाना पड़ता है, एडगवार अस्पताल जाना पड़ता है, क्या कहते हैं वो सबसे बेस्ट है? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे डिस्पेंसरी या छोटा अस्पताल, इमरजेंसी सुविधा जहाँ पर हो? सेकंड प्रायोरिटी तय हो गई हमारी कि यहाँ पर स्कूल डिस्पेंसरी होनी चाहिए, छोटा अस्पताल होना चाहिए। तीसरी चीज, यहाँ पर सीवर की आपने जिक्र किया कि उसके चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, सीवर के चार्जेस कई जगहों पर 20,000 बोल रहे हैं, गज के हिसाब से ना हो, एक मुश्त 5,000 में 10,000 में जो गरीब व्यक्ति है, जो छोटे मकानों में रहता है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सोसाइटीज में नहीं रहता है, वो ये वहन नहीं कर पाता। तो तीसरी अगर डिस्कशन की हम तीसरी वोटिंग कराएं कि यहाँ पर सीवर चार्ज एक मुश्त कर देना चाहिए, ऐसे कितने लोग राजी हैं इस चीज के लिए? लगभग सभी लोग राजी हैं, एक मुश्त सभी को। चुनाव होने से पहले मनीष सिसोदिया जी ने ये वायदा भी किया था, खुद कहा था उन्होंने, ये जनता के बीच में कहा था उन्होंने, परंतु आज वो जीतने के बाद इस बात को भूल गए, क्योंकि सीवर की समस्या जो है भयंकर समस्या है। और दूसरा है यहाँ पार्किंग होनी चाहिए, पार्किंग नहीं। चौथी समस्या के तौर पर, तीसरी समस्या अगर मैं मान लूं कि सीवर के कनेक्शन आपको इजीली मिले और बहुत कम रेट पे मिले, पार्किंग के लिए यहाँ पर व्यवस्था हो, छोटी गलियां हैं, कितने लोग राजी हैं कि पार्किंग है छोटी मोटी हो जाए ताकि लोग अपनी पार्क गाड़ी, आजकल हर घर में वैसे गाड़ी है ना, पार्किंग के लिए सबसे अहम जरूरत है। यहाँ पर पार्किंग की समस्या दिल्ली के कई इलाकों में है। या भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कि देखो हर एक घर में आजकल दो तीन गाड़ियां हैं, एक सामाजिक समस्या भी ज्यादा है, सरकारी समस्या भी है। एक दिन में 11,000 गाड़ी खरीद भी क्यों जा रही हैं, वो कहाँ खड़ी होंगी? लाइफ स्टाइल हमारा थोड़ा वैसा हो गया। नहीं जी, बिल्कुल ठीक। आप सरकार इसमें कहाँ तक पार्किंग बनाए, बनाने राहत तो मिलेगी, पर कोशिश करनी चाहिए, अगर उन्होंने वादा किया तो उस चीज को करना चाहिए पूरा। लगा देना चाहे कोई गली में खड़ी करे, पार्किंग शुल्क लगा दें, सही बात है। पता चले ना पार्किंग शुल्क लिए कोई भी 20,000 की गाड़ी लगा बड़ी प्रॉब्लम है, रोड पर चलिए आधा रोड बंद रहता है। चलिए, पार्किंग की समस्या आपने कही। पांचवी समस्या है यहाँ पेंशन की, यह पेंशन। अच्छा, मैं वोटिंग करा लूँ, पेंशन रेगुलर मिले, कितने लोग चाहते हैं कि पांचवी समस्या के तौर पर? बच्चे जवान बूढ़े सब चाहते हैं, है ना, बड़े बूढ़ों की मिले, बड़े बुजुर्ग डिपेंडेंट ना रहे आप ना, कि हमारा बच्चा हमें पैसे देगा तभी हम कुछ चीज खरीद पाएंगे, चश्मा बनवाना है, दवाई लेनी है, पेंशन जरूरी है। एमसीडी की पेंशन बहुत जरूरी है, सरकार की तो मिल रही है लेकिन एमसीडी की पेंशन पिछले 20 महीने से रुकी हुई है, वो किसी को नहीं मिल रही है और लोग बहुत परेशान है। और एक निगम पार्षद 700 पेंशन दे सकता है तो सारे निगम पार्षद मिला के कितनी पेंशन हो गई, इतने लोग बाग? कई बार ये पॉलिटिकल भी मसला है। अच्छा, पेंशन की छठी समस्या, ये सिस्टम है किसी चीज का कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को सहायता करती है और दिल्ली सरकार एमसीडी को देती है, परंतु ये राजनीति की तरफ से देख रहे हैं, इनको जो दिल्ली नगर निगम का हक है वो मिलना चाहिए, पहले कांग्रेस थी उसने नहीं दिया, अब ये लोग आ गए तो अब ये नहीं दे रहे। अगर मान लो केंद्र दिल्ली सरकार अपना दिल्ली नगर निगम का जो बकाया पैसा है अगर वो दे दे तो दिल्ली नगर निगम सभी की पेंशन दे। एक समस्या जो पांचवी समस्या जिसका जिक्र कर रहे हैं, पेंशन की समस्या। अब मैं छठी अगर लिस्टेड करूं तो इलाके में सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, एक महिला यहां पर है, उन्होंने जिक्र किया सीसीटीवी मांग भी करी थी, सीसीटीवी कैमरे बहुत वादा किया था कि दिल्ली के अंदर महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। अच्छा, वोटिंग करा ले, सीसीटीवी कैमरा छठी प्रायोरिटी के तौर पर, सीसीटीवी कैमरा यहां पर होना चाहिए प्रायोरिटी के तौर पर। अच्छा, और एक लास्ट चीज शायद इसका जिक्र कम हुआ, बारात घर यहां पर कह रहे हैं कि कम है, ऐसा ठीक है? बारात घर नहीं है वैसा? नहीं, बारात घर है, जगह है, जगह है, लेकिन उसको बनाया नहीं गया पूरी तौर से, मेंटेन सही से नहीं हुआ, मेंटेनेंस तो है ही नहीं, असामाजिक तत्व वगैरह घूमते रहते होंगे। भी नेताओं की बारात घर के लिए बुक करने के लिए पहले नेताओं की जरूरत पड़ती है कि आपकी जान पहचान है, पैरवी करना घर में नहीं है। अच्छे वोटों से मनीष सिसोदिया यहाँ से जीते हुए हैं, जब से जीते हैं बुजुर्गों की पेंसिल लुकी हुई है, और क्या नाम कहते हैं यहाँ पे, पेंसिल लुकी है बुजुर्ग की, और अभी अंकल जी ने बात की थी बारात घर,
अच्छा, सातवीं प्रायोरिटी के तौर पे बारात घर कितने लोग चाहते हैं? एक वार्ड के अंदर कम से कम एक दो होने चाहिए, एक होना चाहिए। अच्छा, सातों सातवीं समस्या के तौर पर एक बारात घर यहाँ पर होना चाहिए। जगह है, मतलब वो ये मंशा, वो ही कहते हैं मंशा नहीं है, जगह है, सब है, रिसोर्स है हमारे पास, पैसा है, जगह है, मंशा नहीं है। प्रचार के दौरान भी अरविंद केजरीवाल इस तरह के स्लोगन रेस करते रहे कि मंशा खराब है जी, इसीलिए ये काम नहीं हो पा रहा, इसीलिए कांग्रेस या बीजेपी कोई भी जिस भी पार्टी का उसने जिक्र किया। जनता ने भरपूर भरोसा दिया, प्रचंड बहुमत दिया 67 सीटों के साथ। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस 67 सीटों के बड़े जनादेश के बाद जो बड़ी लोगों की समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं उसको नहीं कह सकते, छोटी छोटी समस्याएं हैं। हर वार्ड के ऊपर अगर 50 लाख का उन्होंने बजट रखा है और हर असेंबली की अगर बात करें तो सालाना 20 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मोहल्लों को दी जाएगी ताकि वो मोहल्ले ये डिसाइड कर पाए कि वहां पर सबसे पहले क्या काम किया जाना चाहिए। टोटल न्यूज़ की एक खास पेशकश दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, अलग अलग वार्ड से, अलग अलग मोहल्लों से इसी तरह से जारी रहेगी। हमारी कोशिश सिर्फ ये है सरकार को बताने की कि ये मोहल्ला आखिरकार चाहता क्या है। जनता का बजट है और जनता से पूछ कर तैयार किया जाना चाहिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कागजी कार्रवाई के अंदर या फिर सिर्फ ये मुँह से ना बोला जाए, एक कर्म भी करके दिखाएं, जमीनी तौर पर अगर ये चीज़ लागू होती है तो सही मायनों में स्वराज अचीव हो पाएगा और जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैमरामैन मनमोहन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।